नमस्कार, मेनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। विकास खंड सुल्तानगंज के ग्राम द्वारकापुर के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों ने समाज को जागृत पैदा करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत रैली निकाली। देखिए हमारे संवाददाता शिवचरण राजपूत की ये रिपोर्ट। द्वारकापुर गाँव में गली गली घर घर जाकर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने पुरुष महिलाओं को जागृत किया। बच्चों के हाथों में पट्टिकाएं थी जिसमें लिखा था, जिस घर में होता है बेटी का सम्मान वह घर होता स्वर्ग समान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समाज को जागृत कर ले, ऐसी बातें आदि कही गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी, नई दिल्ली। अच्छा, हमारे प्रदेश का नाम? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। अच्छा, ये होता हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल। अच्छा, ये होता राष्ट्रीय झंडा। अच्छा, ये होता राष्ट्रीय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली निकल रही है, तो ये विद्यालय निकाल रहा है कि सरकार निकलवा रही है? ये दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश था, उससे हम लोग निकाल रहे हैं। बेटियों को पढ़ाने और बचाने के लिए जो राष्ट्रीय नियम चल रहा है, जो राष्ट्रीय का कानून बना हुआ है, उसके तहत ये निकाली गई है। और प्राथमिक द्वारकापुर के सभी बच्चे, सभी अध्यापक, सब लोगों ने निकाली हम लोगों ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अभिभावक हैं और छात्र हैं जागरूक हों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की संख्या कम है उनको आगे बढ़ाया जाए। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री का नाम? अच्छा, ये बताइए। अभी नहीं, अब बोलता हूँ। हमारे मैनपुरी में कितने ब्लॉक है बेटा? नाम बताएं। सुल्तानगंज ब्लॉक, बेवर ब्लॉक, ढोर ब्लॉक,